यार आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और जाना होगा कि वहाँ का तानाशाह किंग जोंग कितना खतरनाक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर किंग जोंग भारत का प्रधानमंत्री बन जाए, है ना? इंटरेस्टिंग ख्याल है ना, थोड़ा अलग सा। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। हेडफोन को थोड़ा कानों में अच्छे से लगा लीजिए और मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस टॉपिक पर वीडियो आज तक कभी नहीं बना। अगर मैं बात करूं अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 2019 शुरू है। किंग जोंग आए तो हमारे लिए 107 वर्ष शुरू होगा, क्योंकि कोरिया का अपना अलग अलग एक कैलेंडर है, जो इस देश के पूर्व तानाशाह किम इल सुंग की जन्म तिथि 15 अप्रैल 1912 पर आधारित है। हमारे लिए हर 5 साल में चुनाव भी आएंगे, लेकिन विकल्प सिर्फ एक ही होगा। दूसरा विकल्प ना होने के कारण 100% मत सिर्फ तानाशाह को ही जाएगा। हर बार किंग जोंग की ही सरकार आएगी, फिर भूल जाना अब की बार मोदी सरकार एंड ऑल। और क्या होगा, हमें आरटीओ द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल का पालन करो, लेकिन जोंग सरकार में सब सिग्नल ही हट जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हुआ मेरे दादाजी ने कोई गुनाह नहीं किया, वरना मैं भी सजा काट रहा होता। नहीं, मैं सठिया नहीं गया हूँ। तानाशाह किंग जोंग ने तो कानून बनाया कि दोषियों की 3 पीढ़ी तक सजा दो, तो मैं अपने पूर्वजों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप इंडिया में थे। इस फोटो में जो हारमोनियम जैसा यंत्र दिख रहा है आपको, वो अकार्डियन है। अगर किंग जोंग की सरकार आ गई तो सभी टीचर्स को ये यंत्र कैसे बचता है ये जानना जरूरी होगा। टाटा स्काई और सोनी टीवी के बीच की लड़ाई जग जाहिर है। हम सोनी टीवी नहीं देखते तो बौखला जाते हैं, SMS भी भेजते हैं, लेकिन किंग जोंग की सरकार में सिर्फ 3 ही चैनल हैं। 2 चैनल में तो हफ्ते में 1-2 कार्यक्रम आते हैं और 1 पर केवल 1 सीरियल आता है। आप केवल वही चीज देख सकते हैं जो सरकार दिखाना चाहती है। जब हम चाहें रेडियो को ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं, लेकिन कोरियाई सरकार आ गई तो सभी रेडियो सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगे और लाउड स्पीकर से जोर जोर से सारी अनाउंसमेंट होंगी और हम चाह कर भी उसे बंद नहीं कर पाएंगे। आज हमें दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट मिल रहा है, थैंक्स टू मुकेश भाई या जिसको भी बोलना चाहो। लेकिन किंग जोंग सारे 4G टावर यानी कि 4G टावर नष्ट कर देंगे। वहाँ सिर्फ 605 लोग ही इंटरनेट की सेवा का उपयोग कर सकते हैं। हम दूसरे देशों के बारे में कुछ नहीं जान सकेंगे और हमें बताया जाएगा कि अपना देश ही बेस्ट है, बाकी दुनिया गई तेल लेने। हेयर स्टाइल सिर्फ 28 तरह के हैं, 18 महिलाओं के लिए, 10 पुरुषों के लिए। उनमें से ही एक को चुनना होगा आपको, और इसके बाद तेरे नाम वाले बाल, कांटे वाले बाल, स्पाइक वाले बाल, जितने भी बाल हैं वो सारे आप नहीं रख पाएंगे। आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे अगर किंग जोंग यहाँ आ गया तो। अगर उनकी सरकार यहाँ पर आ गई तो मैं बता दूं कि ब्लू जीन्स आप नहीं पहन पाओगे, क्योंकि सरकार को पसंद नहीं है भाई साहब। तो आपका जितना लाइक 75-80% तो ब्लू से रिलेटेड ही होगा, जीन्स का है। अगला है, अगर उनकी सरकार आ गई तो आप पॉर्न नहीं देख सकते। अब आप सोच रहे होगे वो तो इंडिया में भी नहीं देख सकते, बैन कर दिया है। पूरी बात सुनो लेकिन मेरी, पॉर्न नहीं देख सकते, अगर देखी तो फांसी की सजा। ऐसा होने पर शायद भारत की आधी से ज्यादा आबादी, मुझे लगता है खत्म हो जाएगी, आधी का पूरी खत्म हो जाएगी। और आखिरी, ये जो मैं बोल रहा हूँ, अगर उनकी सरकार यहाँ पे होती और मैं ये बोलता तो हो सकता है कि ये जो मेरी टीम है ये चली जाती कहाँ सलाखों के पीछे। तो अच्छा है भाई, मैं इंडिया में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप भी बहुत खुश रहिए, मजे करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दबा के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर 1000 से ज्यादा लाइक्स इस पे आते हैं वीडियो पे और 5000 कमेंट्स तक आते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा और वो भी इंटरेस्टिंग होगा।